हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। हम यहाँ डेली इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल के वर्ड मीनिंग्स देखते हैं, वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करते हैं, उसके हर एक वर्ड के 2 से 3 साइनोनिम्स, एटलीस्ट 2 टू 3 साइनोनिम्स, और एडिटोरियल से कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस यहाँ पे देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्जाम्स में ये सब पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जैसे कि SSC, CGL, CHSL, CPO, स्टेनोग्राफर, MTS, CDS, NDA, एयरफोर्स ने भी जिस भी एग्जाम में इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंग्लिश में वोकैबुलरी पूछा जाता है, वोकैबुलरी पे ही ज़्यादातर एग्जाम्स डिपेंड रहते हैं, क्योंकि उससे अप्रोक्स 50% जो एग्जाम कवर होता है वो वोकैबुलरी से हो जाता है। तो ये इस सेशन में हम डेली वर्ड मीनिंग्स को डिस्कस करते हैं, तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप हमारे इस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करें। तो शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल से। तो आज है 2 सितंबर, 2 सितंबर, और 2 सितंबर का जो सेकेंड एडिटोरियल है वो देखते हैं। सेकेंड एडिटोरियल है फॉर ए बोनाफाइड प्रेस, हाई कोर्ट ऑर्डर फॉर वीडिंग आउट फेक जर्नलिस्ट इन वेल इंटेंशन बट नीड्स वाइड कंसल्टेशन। इसी पर बेस्ट ये एडिटोरियल है और इसी से सभी वर्ड मीनिंग जैसे कि कलेक्ट किए हैं और उसी को हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज के वर्ड लिस्ट। तो सबसे पहला वर्ड जो है वो है बोनाफाइड, जो एडिटोरियल के हेडिंग में था, काफी इम्पोर्टेंट वर्ड है। बोनाफाइड यानी क्या होता है? वास्तविक या फिर प्रमाणिक, यानी कि जिसकी सत्यता की गारंटी हो, सत्यता जिसमें सत्यता हो दिखे, जो कि फेक ना हो। तो साइनोनिम्स देखे तो ऑथेंटिक यानी कि वास्तविक, जो रियल चीज होता है उसी को कहते हैं हम बोनाफाइड। रियल, ट्रू, एक्चुअल, ये सब इसके सिमिलर वर्ड है किसके? बोनाफाइड के। और सेकेंड वर्ड है कंसल्टेशन। कंसल्ट जानते हैं, कंसल्ट वर्ड से बना है कंसल्टेशन। कंसल्ट यानी होता है कि विचार विमर्श, और विचार विमर्श करना, तो उसी से कंसल्टेशन वर्ड बना है। साइनोनिम्स इसके देखे तो डिस्कशन, डिस्कोर्स, डिबेट। डिबेट यानी कि किसी भी बात पे विचार विमर्श करना, उसी को कहते हैं हम कंसल्टेशन, जिसके साइनोनिम्स डिस्कशन, डिस्कोर्स और डिबेट, ये 3 वर्ड है। इंपॉर्टेंट वर्ड है और एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है SSC के। नेक्स्ट वर्ड है थर्ड नंबर, कम क्लोज टू। यह भी इडियम है, फ्रेज है, और यह भी SSC के एग्जाम में पूछा गया है। कम क्लोज टू इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट अचीव टू, जैसे कि कोई आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हो, गोल यानी सफलता पाने के लिए, या फिर कोई भी कार्य हो जिसको करने का प्रयास कर रहे हो और ऑलमोस्ट उसको कंप्लीट करने के पास में पहुंच गए हो, तो उसी को कहते हैं हम कम क्लोज टू, यानी कि अपने जो एम के पास पहुंच चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड है फोर नंबर, रिमेडी, और यह भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है और SSC में कई बार पूछा गया है। रिमेडी यानी क्या होता है? जैसे कि कोई भी रोग होता है उसका जो क्योर होता है, यानी कि उसका ट्रीटमेंट होता है, उसका उपचार जो होता है, इसे उपचार कहते हैं, उसी को कहते हैं हम रिमेडी। बहुत सारे रोगों का एक ही उपचार होता है, जैसे ए मेडिसिन और ट्रीटमेंट फॉर क्योर ऑफ ए डिजीज, एक किसी भी प्रकार के रोग का एक ट्रीटमेंट या फिर कोई मेडिसिन हो जो कि उसका उपचार कर जाए, उसी को कहते हैं हम रिमेडी, या SSC में कई बार पूछा गया वर्ड है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और नेक्स्ट वर्ड है एक्सेलरेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है एक्रेडिटेशन, इट मीन्स कि अधिकृत या फिर मान्यता प्राप्त, जो कि ऑथराइज्ड हो। इसका जो एंटोनिम होगा यानी कि ऑपोजिट वर्ड से इसे पहचानने, तो इसका मतलब होगा इलीगल यानी कि अनौपचारिक, और इसका मतलब औपचारिक, या लीगल या इलीगल या लीगल, यानी कि एक्रेडिटेशन मतलब होता है किसी की पहचान करना। पहचान कैसे होगी? जब वो चीज़ कोई लीगल होगा, कोई फेक जाली नहीं होगा। साइनोनिम्स देखे तो रिकॉग्नाइज, ऑथराइज, सर्टिफाई, ये सब इसके सिमिलर वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है, और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, डीलिंग विथ, यह हमेशा फ्रेज में पूछा जाता है। 2 वर्ड होते हैं, एक होता है डील इन और दूसरा होता है डील विथ। तो डील विथ यहाँ पे जो आया है, इसका मतलब होता है किसी भी समस्या या फिर सिचुएशन को मैनेज करना या फिर हैंडल करना। यहाँ पे देखेंगे टू हैंडल और मैनेज समथिंग, लेकिन जो डील इन होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है व्यापार करना। व्यापार करना किस प्रकार का? किसी भी प्रकार का जो व्यापार होता है, बिजनेस में जो इस वर्ड का यूज किया जाता है, और डील विथ ये फ्रेज है, खासकर
खाली बस यहाँ पे प्रीपोजिशन बदलता है और फ्रेज का अर्थ बदल जाता है, वर्ड सेम रहता है। तो इस प्रकार से यह काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है और एसएससी में तो पूछा हुआ वर्ड है। नेक्स्ट जो वर्ड है यहाँ पे देखेंगे जीलसली, यह जीलियस वर्ड, जील जील वर्ड से बना हुआ है। जील यानी कि उत्साहित होता है, जील यानी कि उत्साहित, उसी से यह वर्ड बना है। तो एडवर्ब बन गया है उसका, इसका मतलब होता है विथ ग्रेट एनर्जी और एंथुसियाज्म इन परस्यूट ऑफ ए कोर्स, यानी कि काफ़ी एकदम उत्साह से भरे हुए, एनर्जी से भरे हुए, उस शब्द के लिए हम जीलसली वर्ड का यूज करते हैं। यह जील से बना है और जील एसएससी में हमेशा पूछा जाता है। इसके साइनोनिम्स में एंथुसियाज्म अक्सर आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है वीड आउट। वीड आउट यानी कि यह भी एक फ्रेज है और इम्पोर्टेंट फ्रेज है। वीड आउट यानी कि रिमूव एन इंफेरियर और अनवांटेड कंपोनेंट ऑफ ग्रुप, यानी कि जैसे कि इसका मेनली मतलब समझे तो आइसोलेट होगा, यानी कि अलग करना किसी चीज से अंदर या बाहर के तरफ से, वो उसमें जो अनवांटेड चीज हो उसको अलग कर देना। तो यानी कि आइसोलेट, आइसोलेट इसका मतलब क्या होता है, आइसोलेट मतलब होता है अलग करना, और इसी का यह वर्ड मीनिंग है। तो वीड आउट मतलब होगा अलग करना। नेक्स्ट वर्ड है वेल इंटेंशन, यानी कि शोइंग गुड इंटेंशन डिस्पाइट ए लैक ऑफ सक्सेस, यानी कि सफलता न मिलने की बाद भी, जैसे कि किसी को सफलता नहीं मिलती है तो वो निराश, हरा, हताश हो जाता है, लेकिन सफलता न मिलने के बाद भी एक अच्छा इंटेंशन हो अपने गोल के प्रति, अपने एम के प्रति, अपने जो कार्य है उसके प्रति एक अच्छा इंटेंशन हो, उसी को कहते हैं वेल इंटेंशन। नेक्स्ट वर्ड है ड्यूबियस, एसएससी का पूछा हुआ इंपॉर्टेंट वर्ड है और काफी इजी भी वर्ड है। ड्यूबियस सभी जानते हैं, ड्यूबियस यानी कि संदिग्ध, या फिर किसी पे पूरी तरह भरोसा नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि वो संदिग्ध हो, इसीलिए। तो ड्यूबियस मतलब यही होता है। साइनोनिम्स देखे तो डाउटफुल, संदेहास्पद, अनसर्टेन, अनश्योर, यानी कि कोई निश्चित नहीं हो किसी चीज के बारे में, उसे ही कहते हैं हम ड्यूबियस। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट जो वर्ड है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट यानी कि न्यायालय का निर्णय, जो किसी भी मुद्दे पे, किसी भी इशू पे जो न्यायालय होता है, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट या फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, इस पे सिविल कोर्ट जिसे कहते हैं, किसी भी मुद्दे पे निर्णय देता है, तो उसी न्यायालय के निर्णय को हम कहते हैं वर्डिक्ट यानी कि डिसीजन। तो साइनोनिम्स देखिए इसका, तो डिसीजन इसके साइनोनिम्स में अवेलेबल है एडजुडिकेशन या फिर जजमेंट, एक वर्ड आता है जजमेंट, यानी कि वही जो न्यायालय का निर्णय होता है उसे कहते हैं। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है लिटिगेशन, यह भी इम्पोर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है मुकदमा, वाद विवाद में जो किसी प्रकार का जो केट में कोर्स चलता है, कोर्ट में केस चलता है, उसी को कहते हैं हम लिटिगेशन। या फिर वैधानिक भी इसका मतलब होता है। साइनोनिम्स देखें तो लीगल एक्शन, लॉ सूट, इंडिक्टमेंट, ये सब इसके सिमिलर वर्ड है, किसके, लिटिगेशन के। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर यानी क्या होता है, बहुरूपिया, जो बहुत प्रकार का रूप धारण कर लेता हो, जो जाली होता हो, इसे एक वर्ड आता है इनकाउंटर। वो इनकाउंटर नहीं, यानी कि इनकाउंटर यानी होता है फेक, फेक यानी कि जाली पर्सन। जाली मतलब कि जो गलत कार्य करता हो, अलग अलग प्रकार के रूप धारण करके और गलत गलत कार्य करता हो, जैसे कि आज के देश में हमारे जो लीडर सब करते हैं, सब के सब जाली हो गए हैं। तो साइनोनिम्स इसके देखे तो प्रिटेंडर, होएक्सर, फेक, फ्रॉड। फ्रॉड वो जो करता है अलग अलग रूप धारण करके, उसी को कहते हैं हम इम्पोस्टर यानी कि बहुरूपिया। नेक्स्ट वर्ड है ऑब्सक्योर, या एसएससी में हमेशा पूछा जाता है। ऑब्सक्योर यानी कि जो आसानी से दिखाई ना पड़े, किसी को भी जो आसानी से नहीं दिखाई पड़े, उसी को कहते हैं ऑब्सक्योर यानी कि अस्पष्ट। एक शब्द इसके लिए आता है अस्पष्ट, अस्पष्ट यानी कि जो आसानी से दिखाई न पड़े। साइनोनिम्स देखे तो अनक्लियर, अनसर्टेन, डाउटफुल यानी कि संदिग्ध, ये है ऑब्सक्योर के साइनोनिम्स और काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है और एसएससी में पूछा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है वेंगल, यानी कि चापलूसी से कुछ प्राप्त कर लेना। कैसे, चापलूसी से कुछ प्राप्त करना, किसी को, किसी के साथ मिलकर गलत गलत तरीके से किसी चीज को प्राप्त करना कहलाता है वेंगल। यानी कि साइनोनिम्स देखे तो कंट्राइव, मैनिपुलेट, मैनोवर, ये दोनों वर्ड मैनिपुलेट और मैनोवर एक दूसरे के साइनोनिम्स हैं और ये दोनों वर्ड पूछे जाते हैं एग्जाम में। इन दोनों वर्ड को भूलना नहीं है, मैनिपुलेट
मैनोवर, मैनुपुलेट या मैनोवर यानी कि गलत तरीके से किसी भी चीज को प्राप्त करना, गलत रास्ते पे चल के, उसे कहते हैं मैनोवर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ये लिटिगेशन हम लोगों ने देख लिया, इम्पोस्टर भी देख लिया, ऑब्सक्यूर भी देख लिया, तो इतने सारे वर्ड्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। तो यदि ये टोटल वर्ड थे आज के, आज और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स वन पे जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट www.editorialvocabs.com पे जाके विजिट कर सकते हैं। और एक मंथली पीडीएफ जो मंथ के आखिरी में आता है, जैसे कि अभी अगस्त मंथ का पीडीएफ आया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ राइट साइड में, या एक अगस्त से 31 अगस्त तक के टोटल वर्ड लिस्ट एक ही पीडीएफ में अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यह प्रीमियम पीडीएफ है, लेकिन अगस्त मंथ के पीडीएफ को मैं फ्री में यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सभी वर्ड्स वर्ड्स उसके साइनोनिम्स यहाँ पे देखेंगे क्या क्या इंक्लूड है। मटेरियल्स इन पीडीएफ, द हिंदू वोकैबुलरी विथ हिंदी मीनिंग्स, वर्ड्स हैं उसके साइनोनिम्स हैं, एडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब कहाँ से वर्ड्स आते हैं, ये सभी वर्ड्स द हिंदू एडिटोरियल के हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी बेस्ट पीडीएफ है। यह मंथली पीडीएफ, हर एक मंथ के पीडीएफ है, जनवरी से लेके अब तक अगस्त तक का पीडीएफ है। आप किसी भी पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं, लेकिन अगस्त का पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हम जरूर बताएं, और आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।